this is Priyakshi from evreporter.com. In this video, we are joined by Dr. Yogesh Bhatia, founder and CEO of Detail India. Detail features among the top 100 SMEs in the country and credited with offering the world's most economical feature phone in the Indian market. Detail India is now launching an entry-level electric two-wheeler called EV Easy. Let's learn more about it. So first I want to ask, Detail's name is associated with the affordable consumer electronics. So what is the aspiration behind launching an electric two-wheeler? Detail ko humne ek affordable value for money products ki family banane ka prayas kar rahe hain. ये तकरीबन 2018 की बात है. हम लोगों ने प्लान किया कि इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करते हैं. एक ही चीज निकल कर सामने आई, अगर हमने नॉर्मल साइकिल में बैटरी इनबिल्ट करके ही देनी है तो वो कंज्यूमर को 20 22 24 25 हजार की पड़नी है. तो लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम. हमारी अपनी टीम भी अलग अलग एरियाज में मार्केट में जाके रिमोट एरियाज में टीयर टू टीयर थ्री में घूमी, आइडेंटिफाई किया कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो हमारे देश की तीन एजर फर्टिलिटी को एड्रेस कर सके तो वो बहुत ही अच्छा होगा. अब अगर हम तीन एजर की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है, क्या वो अफोर्डेबल होगा, क्या वो सेफ सिक्योर्ड होगा, क्या वो विदाउट एनी ड्राइविंग लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन के भी चल पाएगा. दैट विल बी द परफेक्ट प्रोडक्ट. तो हमें बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अब प्रोडक्ट रेडी है हमारे पास, जिसका नाम डिटेल ईवी वर्टिकल में डिटेल इजी के नाम से हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं. हमारा उद्देश्य देश का जितना भी टीन एजर है और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, लेडीज हैं, जो अफोर्डेबिलिटी से थोड़ा सा बाहर हैं, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, और अब हम अनाउंस करने जा रहे हैं वर्ल्ड्स मोस्ट इकोनॉमिक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल डिटेल इजी. 1999 प्लस जीएसटी में हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं. एंड सर, व्हाट विल बी द रनिंग कॉस्ट ऑफ द व्हीकल? दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हम मात्र 20 पैसा पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट पे लॉन्च करने जा रहे हैं. देयर आर अदर सिमिलर व्हीकल्स इन द मार्केट आल्सो दैट कंपनीज आर यूजिंग फॉर लास्ट माइल मोबिलिटी फॉर डिलीवरीज. सो व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग डिफरेंटली? तो हमारे लिए सबसे पहली चीज सुरक्षा अहमियत रखती है. सबसे बड़ी सुरक्षा का चीज होती है हमारा हेड सिर. हमने अपने इस 1999 प्लस जीएसटी पैकेज में एक हेलमेट भी साथ में दिया फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री. जो ईवी हम लॉन्च करने जा रहे हैं उन ईवीज को बनाकर पिछले एक साल से हम इंडियन रोड्स पर चला रहे हैं. जो हमारी टीम को डिफेक्ट और इफेक्ट नजर आए मार्केट में जाकर कि टायर का साइज इतना है, इसका साइज थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, तो हम लोगों ने टायर के साइज को 16x2.5 विद ट्यूब कर दिया. यहाँ पर भी मेरा कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट की एक्सेसरी लेना चाहेगा उसको इजिली अवेलेबल हो. मेरे को इंडियन रोड्स के हिसाब से थोड़े बड़े टायर चाहिए थे. टीयर थ्री में मेरा कंज्यूमर चलाए तो उसकी गाड़ी बार बार दबनी नहीं चाहिए, अदर पार्ट्स को उसका इंपैक्ट नहीं आना चाहिए. तो वो सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमने इंडियन टायर्स लगाए हैं, इंडियन ट्यूब, इंडियन टायर्स, इंडियन बैटरी. तो काफी पैरामीटर्स, काफी एंगल्स. और दूसरा, हमारा ईवी दूसरे ईवी से डिफरेंट क्यों है? हमने इसमें पैडल भी दिया क्योंकि टीन एजर है, युवा है, तो वो अगर किसी किस्म से कुछ को लगता है कि मुझे हाफ आवर की साइकिलिंग करनी है तो मैं तो पैडलिंग करूंगा, तो वो पैडलिंग कर सकता है. इसमें कट ऑफ ब्रेकअप भी है, मींस अगर ट्रैफिक है, आपकी गाड़ी रुक गई है, तो मैक्सिमम क्या होता है, गाड़ी में की मोटर चलती रहती है, इंजन चलता रहता है. तो इसमें हम लोगों ने सिस्टम दिया, ब्रेक लगाने के बाद मोटर बंद हो जाएगी, जिससे कि मोटर की वारंटी जो हम दे रहे हैं, जो उसकी साइकिल है, लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल बढ़ जाएगी, बैटरी की लाइफ साइकिल बढ़ जाएगी. Okay, and I think the helmet point is very good because by law you are not required to even wear a helmet when you are riding this vehicle, right? Because it is RTO exempted. Sir, with EVs, one more challenge that we've seen is that most of the Indian population is unfamiliar with the electric vehicles, and there is this hesitation in adopting any new technology. Yes. So to ease that thought process, what are you going to do? Are you going to provide any warranties or any customer education programs? Yes, regarding warranty, agar aap baat karte hain to hum log मार्केट में जो ईवी चल रही है लेड एसिड बैटरी के साथ चल रही है, जो मिड रेंज में होती है, जो हाई रेंज में होती है वो लिथियम आयन बैटरी के साथ चल रही है. हमारी ईवी लिथियम आयन फास्फोरस बैटरी के साथ है.
हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की बैटरी 5 साल तक चलेगी, बट हम रिटर्न में जो दे रहे हैं 3 साल की वारंटी लिथियम आयन फास्फोरस बैटरी के साथ दे रहे हैं हमें, क्योंकि जब कस्टमर लेड एसिड बैटरी का व्हीकल लेता है तो अगले साल उसको एक नई बैटरी और डलवानी पड़ती है, तो 10,000 की कॉस्ट उसको और पड़ जाती है। तो मैं लिथियम आयन फास्फोरस बैटरी इंक्लूडिंग अ कंप्लीट पैकेज विद हेलमेट मैं मात्र 1999 में अनाउंस करने जा रहा हूं। ओके सर, एंड व्हेन इज द व्हीकल गोइंग टू लॉन्च? वी आर प्लानिंग टू लॉन्च बाय फ्राइडे 14th ऑफ अगस्त एज ए सेलिब्रेशन ऑफ 15th अगस्त इवनिंग है। हमारा प्लान यही है कि अभी हम इसको फेसबुक ई वेबिनार लॉन्च करें। नाउ ओवर कंज्यूमर कैन बुक डीटल ड्रीम ईवी टू पे ओनली 1,999, मात्र 2,000 रुपए देकर वो बुक करवा सकते हैं। बैलेंस पेमेंट जैसे हमने प्राइस अनाउंस कर दिया तब वो पेमेंट जमा कराएं, हम उनको डिस्पैच कर देंगे और उनकी ट्रैकिंग डिटेल्स उनको वेबसाइट से डल जाएंगी, ताकि उनको जो भी टाइमलाइन उसकी डिस्पैचिंग की टाइमलाइन लॉजिस्टिक का टाइम लगता है उनको वो व्हीकल मिल जाएगा। ओके एंड सर, दिस इज अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री? यस, हमारा डिलीवरी लॉजिस्टिक के साथ टाई अप है, जिनकी पैन इंडिया बहुत अच्छी रेपुटेटेड डिलीवरी लोकेशंस हैं, मैक्सिमम पिन कोड्स वो लोग इसको कवर करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करवा पाएं। वो हमारी वेबसाइट पे पिन कोड्स अवेलेबल हैं, अगर ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा है इट मींस दैट पिन कोड इज एक्टिव एंड वी कैन डिलीवर दैट प्रोडक्ट। और कोई भी कॉर्पोरेट एंटरप्राइज एमएसएमई, हमारा एक B2B अड्डा ई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जिसके पास डिटेल के ई डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स हैं, वहां पर जाकर वो अपनी कॉर्पोरेट इंक्वायरीज डाल सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑर्डर्स लगा सकते हैं, उनके जितने यूनिट्स का ऑर्डर होगा उनको B2B अड्डा ई डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट के ऊपर से डिस्पैच कर दिया जाएगा।